फाइनली गाइस अभी पहुंचे हम घर में। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि यार मैं बोलता ऐसे हूँ पर आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि आज ना मेरी फ्रेंड की शादी थी। तो अभी मैं घर में पहुंची हूँ तो आज है करवा चौथ साथ में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस व्लॉग को मैं आज डालती हूँ, जो पिछले कल हमने शूट किया वो मैं उसके बाद डालूंगी क्योंकि करवा चौथ वाला ब्लॉग फिर पुराना हो जाएगा ना तब करके। तो अभी मैं पहुंची घर में तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ फिर उसके बाद बताती हूँ क्या क्या किया मैंने करवा चौथ के दिन। चलिए तो आज ना पीयू के पापा भी घर आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है क्योंकि मैंने सोचा था पिछली बार जो है सबसे पहली बार जो है मेरी प्रेगनेंसी थी उसके बाद मेरी डिलीवरी और इस बार का मतलब ठीक है। तो इस बार इसके पापा भी आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना चलो फर्स्ट करवा चौथ में कम से कम ये तो मेरे साथ हो तो तब करके मैंने इस बार का करवा चौथ किया है तो ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर बैठ लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो गाइस अभी हो चुकी हूँ मैं करवा चौथ के लिए रेडी। तो मैंने ना सुबह मैंने देखा था कि मेरे लिए ना ग्रीन कलर मतलब आज के लिए बेस्ट था तो मैंने ना अपने लिए एक सूट ऑर्डर किया था। तो मैंने सोचा चलो मैं यही डाल देती हूँ। फिर देख रही हूँ मैं कुछ मेरे एयरिंग कुछ मैच नहीं हो रहे, कुछ ज़्यादा ही ब्लैक ब्लैक हो गया है, ये रात को दिखेंगे भी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ मैं इनको चेंज करती हूँ, इनकी जगह मैं कुछ और डालती हूँ। तो अब डाल दिया मैंने ये मल्टी कलर वाले झुमके तो ये ठीक ही लग रहा है। तो अभी मेरे पतिदेव हैं ऊपर किचन में तो मैं हो रही हूँ यहाँ पे रेडी। वैसे तो मैं हो ही गई हूँ रेडी तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा चुन्नी भी लगा देती हूँ यहाँ से। फिर मेरे को याद आया कि मैं जो है ये परांदा जो है कैसे लगाऊँ, मतलब चोटी बनाऊँ या फिर क्या करूँ। तो मैं सोच रही हूँ चोटी बना लेती हूँ क्योंकि चोटी में ठीक लगेगा। तो देखते हैं कैसे लगेगा चुट्टी में क्योंकि मेरे बाल आपको तो पता ही है कितने कितने हैं, इसमें पोनी भी इतनी सी बनेगी। चलो ट्राई करके देखते हैं। सो गाइस ये है मेरा फाइनली लुक, बस चुन्नी रह गई मुझे ऊपर से डालनी सिर में। तो मैंने हेयर पिन वगैरह कुछ तो लाई नहीं है, इसको मैं ऐसे यहाँ पे स्टिच कर दूंगी और अभी कर लेती हूँ मैं अपनी थाली रेडी। ओके तो गई जैसे मैं यहाँ पे अभी दूसरे रूम गई ना तो बाहर मेरे को लाइट दिखाई दी, मेरे को देखा चांद आ गया, मेरे में है चांद आ गया इतनी जल्दी आज। फिर पता चला कि नहीं वो ना लाइट थी घर की। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ तो बस अब चांद का इंतजार है मुझे और मेरे चांद बैठे हैं अभी रसोई में आग सेकने क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत हो गई है ना, बट मुझे नहीं लग रही भाई मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ। तो गाइस कैसी लग रही है मैं बताना जरा कमेंट बॉक्स में। तो गाइस अब जाके हुई हूँ मैं अच्छे तरीके से रेडी। तो मांग टिक जो है मैंने लगाई नहीं है क्योंकि मैं बक्सियाड़ में हूँ तो वो है घर में। तो वैसे पहले जो है पीयू के पापा ने कहा था कि वो घर नहीं आएंगे करवा चौथ पे, तो मैंने कहा चलो तब मैं व्रत नहीं रखूंगी क्योंकि सॉरी तो गाइस मुझे इतनी खांसी लगी है ना मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर पहले उन्होंने कहा था कि वो घर नहीं आएंगे तो मैंने सोचा था कि तब मैं व्रत नहीं रखूँगी क्योंकि मेरा ये ऐसा था कि मैं सोच रही थी कि मैं तभी व्रत करूँगी फर्स्ट टाइम, मतलब मुझे वो घर में चाहिए चाहे उसके बाद वो नहीं हो वो अलग बात है, वो मतलब ड्यूटी पे हो वो अलग बात है, मतलब इस बार मुझे चाहिए थे तो वो इस बार आ गए। फिर मैंने सोचा चलो मैं व्रत तब रखूँगी, अगर आप आ रहे हो तो मैं रखूँगी। तो फिर मैंने व्रत रखा तो मतलब मेरी फ्रेंड की शादी थी तो मैं वहाँ गई थी, फिर वो मांग टिक लाई नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सूना सूना लग रहा है, चलो कोई नहीं। तो गाइस बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, देखो सामने आपको लाइट दिख रही होगी, ये चांद निकलने ही वाला है बस जस्ट। तो फाइनली गाइस चांद आ चुके हैं मतलब निकल चुके हैं तो यहाँ पे इतना होगा कि मेरे दिए कुछ सही नहीं लग रहा है। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए,
सब है पास आ गए। तो गाइस हमारा व्रत हो चुका है कंप्लीट। तो मेरे को लगी थी ठंड तो मैंने डाल दिया है जैकेट। कैसा लगा आपको? और आप लोगों को मैं एक बात बताना भूल गई, मेरे पति देव ने पता है क्या गिफ्ट लाई है मुझे, मैं आपका भी बताती हूँ। ओ भाई साहब ऐसे कौन करता है भाई, कोई हमें भी बताओ।